तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। राम लला सरकार की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जन्मभूमि में आपका स्वागत है। स्टेशन अभी बन ही रहा है यहाँ पे। ये देखो पूरे पुराने जमाने के स्टाइल से बनाया जा रहा है। इस टाइम पे हम आए हैं, ये टाइम ऐसा है कि सब फैसला हो चुका है, रामलला जी विराजमान होने वाले हैं, सब बढ़िया करके नया बन रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी राम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि आज है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम, हाथ ऊपर करके। जय श्री राम। जय श्री राम। हम जा रहे राम जी को प्रणाम करने। हमारी भी कह देना। बिल्कुल कह देना। बुढ़िया लोगों की भी सुन लेना राम जी से। बुजुर्गों की पहले सुनेंगे, फिर हमारा जवान लोगों का नंबर आ रहा नाना जी। सीताराम चलो भैया आते नानी जी परसों। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में जो शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से, क्योंकि हम जा रहे हैं अयोध्या। हमने यहाँ पे पकड़नी है बस और 7 बजे तक पहुँचना है मुरादाबाद, क्योंकि 7:30 की हमारी ट्रेन है सीधा अयोध्या के लिए। भैया मुरादाबाद जाएगी अंदर है? चलो चलो चलो। भैया गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा था 1.5 घंटा, लेकिन भैया बता रहे हैं 2 घंटे। तो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ट्रेन हम पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। टेंशन है, टेंशन का माहौल है, बहुत टेंशन का माहौल हो चुका है। चलो चलो चलो। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जल्दी लेके ना भैया, 7:40 की ट्रेन है, थोड़ा जल्दी छोड़ देना है। भैया वो उत्तर प्रदेश परिवहन की बस जिसने हमें छोड़ा, बहुत गोली थी। चलो चलो चलो। 7:27, 13 मिनट बाकी है और अब हमें लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आज देखिए इनका महत्व पता चल रहा है। टाइम इज प्रीशियस। ऐसे तो हमें कितनी बार पता चला है ना। टाइम इज प्रीशियस। चलो 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 चलो। धन्यवाद धन्यवाद। गेट किधर है? इधर है, उधर है। चलो मुरादाबाद जंक्शन। 7:33 हो चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते ही अनाउंसमेंट अभी चालू हो गया है। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 4। जय श्री राम। आज गया टाइम पे, टाइम में पहुंचे। ट्रेन अभी तक आई नहीं है, लेट है तेरी ट्रेन। वैसे लग नहीं रहा था जब 10 मिनट ही बचे थे ना, और बस में तो ऐसा लग रहा था आज छूट गई बस। लेकिन यह है कि सब लोगों ने मदद करी, जो कंडक्टर और भैया थे गाड़ी के, उनने भी हेल्प करी, आवाज़ मार के टेम्पो जो है बस के साथ साथ ही उन्होंने रुकवा दिया। बस से डायरेक्ट हम टेम्पो में उतरे। हमने टेम्पो ढूंढने में जो टाइम लगता वो हमारा बच गया। जो कर पसीना पसीना हो गया। आ गई भाई ट्रेन, आ गई, जल्दी कर लो ट्रेन आ गई। ये आ गई है हमारी ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं। अरे बैठने का टाइम भी मिल गया। अरे गजब यार, बड़े लोग हैं, बैठने का टाइम भी मिल गया। अरे स्लीपर खत्म हो गया, यहाँ से हो गया एसी चालू। चलो सीट नंबर है पहले 30-32। क्या बात है। अरे भैया फुल सिक्योरिटी में सफर कर रही हो तुम, बताए और आराम से चढ़ो। है बहुत बेहतरीन। चलो ऑल सेट। ऑल सेट तो क्या दे दो वहाँ से। फाइनली हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली और यहाँ देखो जनाब चढ़ ही नहीं पा रहे, पिछले आधे घंटे से प्रैक्टिस कर रहे चढ़ने की। एक फोटो ऐसे मेरी ऐसे खींच दो। और यहाँ अभी बस ट्रेन चलनी स्टार्ट ही हुई थी कि मैं ये क्या देखती हूँ, गौर से देखो इस इंसान को। तुम देखती नहीं, तुम्हें दिखाया जा रहा है। कैसा बनाया मैंने खाना? मैंने अच्छा खाना बनाया है। सिर्फ मैंने ऑफ कोर्स मैंने। नेहा भगवान के घर जा रही, कम से कम भगवान से मैंने तो डरो। मैंने आटा मैंने गूंदा, उसके बाद आलू मैंने बनाए, चटनी मैंने बनाई, बस रोटी में आपने ऊपर से घी लगाया है, ऐसे घी, वो भी ऐसे। अरे नेहा भगवान से तो डरो, कम से कम ऊपर वाले से लूज मुझे लग जाएंगे सुबह। अबे 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 पीछे तार वार तो नहीं, करंट तो नहीं लग गया। यहाँ पे डिनर टाइम हो चुका है चालू, सलाद में अंकल चिप्स और आलू के साथ पराठे। अयोध्या पहुंचने का टाइम जो है 6:30 बजे का है। तो मिलते हैं फिर अयोध्या स्टेशन पहुंच के। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। चाय आ गया, चाय आ गया। बोलिए सर। 3 चाय। अयोध्या नगरी का चाय आ गया। कोई स्पेशल होगा इसमें अलग टाइप की? चाय पी के देखिए सर। ये अयोध्या नगरी का चाय आ गया। कितने रुपए की चाय? 10 रुपए की। ये अयोध्या नगरी का चाय आ गया, एक नंबर का चाय। एक नंबर की हो रही है भैया। चाय लो चाय लो।
चाय तो सही में एक नंबर हो रही है। चाय पी लो, चाय पी लो, अयोध्या नगरी का चाय पी लो। नींद कैसी आई? नींद तो आ रही थी भैया, थके थे पूरा दिन। आप तो पहले ही सो गए थे, मैंने फिर देखा, मैं गया सो गए, मैं भी सो जाती इसका मतलब। तू यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। राम लला सरकार की जय। अरे बड़ी भीड़ है यार, रुको 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 रुको, अभी रुकेगी। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम जन्मभूमि में आपका स्वागत है। स्टेशन अभी बन ही रहा है यहाँ पे, ये देखो पूरे पुराने जमाने के स्टाइल से बनाया जा रहा है। इस टाइम पे हम आए हैं, ये टाइम ऐसा है कि सब फैसला हो चुका है, रामलला जी विराजमान होने वाले हैं, सब बढ़िया करके नया बन रहा है भाई। ट्रेन में चढ़ने लगे कैसा हो रहा है दिखाता हूँ मैं, देखो। अबे ये तो अयोध्या लोगों के आने का टाइम है, लेकिन ये जहाँ से जाने के लिए भी इतनी भीड़ है। ऐसी है भैया। ये देखो ये वाला जो है अयोध्या जंक्शन पुराना, और ये जो बन रहा है इधर, ये बन रहा है नया और धासू। हाँ यार मस्त बन रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी राम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो आप लोग भी जल्दी से आ जाओ और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं राम जी का आज, क्योंकि आज है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लेते हैं और फिर चलते हैं अयोध्या। तो आप बने रहिए आज तक वर्षा त्रिपाठी के साथ, कैमरामैन अतुल त्रिपाठी और नेहा त्रिपाठी के साथ। चलो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हम अयोध्या नगरी तो पहुंच गए। अब थोड़ा बहुत नहाते धोते हैं, तैयार व्यार होते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं सीधे राम लला जी के दर्शन करने, और आपको भी कराते हैं। बिल्कुल। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं फिर नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।